So in this question, Fido, a farmer, made a jugaad scarecrow to scare away birds. He used scrap solid cones, spare cuboid, and two cylinders from his garage. Dimensions are given as follows. तो जो भी उसका scarecrow बनाया था, उसका hat जो है that is conical hat, यहाँ लिखा भी है cap या hat बोल लो. Legs are cylindrical. There are two cylindrical thin legs, पतली टांगे हैं. Body is cuboidal and face is spherical. So dimensions have been given. 21 centimeter का इसका वो है radius है sphere. तो इसका जो radius है that is 21. And cone जो है that is उसका भी radius 21 ही रखा है same. And height is what? Height is 20 centimeters. So height is 20. I will change the color. Height is 20. ठीक है. And पेंट कलर ग्रीन दे रखा है. सिलिंड्रिकल लेग्स जो है उसका रेडियस 14 है एंड जो हाइट है दैट इज 20. सो दिस इज द हाइट. ये टेढ़ा क्यों बनाया है? क्योंकि ये टेढ़ा है इसलिए टेढ़ा बनाया है. ठीक है वो सीधा ही. यहाँ तक क्लियर होगा. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ पिंक क्यूबॉइड. अच्छा ये पिंक है. पिंक मैंने इसको करा नहीं है क्योंकि प्रिंट आउट में ये फिर ओके. सो दिस इज दिस वाइट थिंग इज पिंक कलर यहाँ दे रखा है. So the length, breadth, and height of pink cuboidal body is 50. So height is what? Length is 50. So length is 50. Okay. And width is 40. So width is 40. And height is what? Height is 30. ठीक है. अब ये मैं पूछना कि सर ये तो छोटा दिख रहा है तो लंबा दिख रहा है. जो भी दिख रहा है बस ये है. Given है बस. ठीक है. फर्क नहीं पड़ता. एरिया और वॉल्यूम इतना ही आएगा. ठीक है. चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो या इसको लिटा दो. ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग द स्केयरक्रो इफ इट इज मोल्डेड यूजिंग टिन वर्थ दिस एंड डेंसिटी ऑफ टिन इज दिस. आई थॉट ऑफ एडिंग दिस क्वेश्चन इन आवर ऑल इंडिया मॉक बट मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि हो सकता है इसमें कैलकुलेशन गंदा हो. ठीक है. तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन ग्रुप में भेजूंगा और ये सोल्यूशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग. मोल्ड जब स्केयरक्रो को करता हो ना तो मोल्डिंग के लिए आई हैव टू फिल दिस. ठीक है. एंड ये सिलिंड्रिकल ये हॉलो नहीं है ये फिल्ड है सारा. तो हमें ना इसका वॉल्यूम निकाल के हमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो होता है. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज व्हाट? मास. ठीक है. स्कूल में पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो यू हैव द डेंसिटी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. उससे मास निकलेगा एंड मास के बाद तुम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो 500 से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो लेट्स अच्छा अगर इसमें ऑप्शन मैंने दे दिए तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा. 7 का मल्टीपल क्यों आंसर होगा? क्योंकि 7 है. तो ये 7 यहाँ पे आएगा एंड 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा. वॉल्यूम निकाल लेते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. So the volume of sphere is what? 4/3 pi r³. So r³ is 21 into 21 into 21. ये तो मैंने लिख के दिखाया. बाकी मैं mentally 121 लिखता ही नहीं exam में. ठीक है. क्योंकि ये कट जाएगा. So volume is 88 into 21 का square 441. अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा. अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ. वॉल्यूम ऑफ कोन इज ये भी सॉलिड कोन है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r² h. एंड 1/3 pi के जगह 22/7 लिख रहा हूँ लेकिन ये 3 कट जाएगा एक रेडियस से. रेडियस इज 21 into 21 एक कट गया. एंड हाइट इज मतलब नीचे 21 से कट गया. हाइट इज व्हाट? 20. सो इसका जो आएगा दैट इज 22 into 20 इज व्हाट? 440 into 21. तो ये भी मेरा आ गया. ये कोन का आ गया. ये स्फेयर का आ गया. क्यूबॉइड का बहुत सिंपल है. 50 into 40 into 30. सो 5 4 20 3 60. ठीक है. एंड 3 0 एक्स्ट्रा है 60 पे. तो 60,000 इसका आ गया. अब एक बचा, दो सिलेंडर बचे हैं. तो दो सिलेंडर है तो 2 into pi r² h. 2 क्यों लगाया? क्योंकि दो हैं. वॉल्यूम वैसे pi r स्क्वायर h ही होता है. रेडियस 21 into 21 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? अच्छा इसका रेडियस 14 है. सो वेट अ मिनट, इसका रेडियस है 14. अब ये मैंने क्वेश्चन बनाया था बहुत सोच के, मतलब लगभग हाफ एन आवर लगा था लेकिन फिर सोचा यार लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन तो मैंने इसको हटा दिया. So radius is 14 and height is what? 20. So ये हम solve करेंगे. 7 से 2 times कट जाएगा. So this is 20 इधर है. तो 44 into 2 is 88. 88 into this is 280. ठीक है. तो ये आ गया. अब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, डिजिटल सम, जो कि मैंने क्लास में बताया है. अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता. अभी के लिए
इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर ऑब्वियसली, ये कैलकुलेशन एग्जाम में आया तो फिर करने को तो टफ नहीं है पर टाइम टेकिंग है। डिजिटल सम मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम मैं हल्का सा बताता हूँ, 16, 7, 9 ठीक है, मतलब ये 9 हो गया एंड दिस इज 8, 24, दिस इज 6, दिस इज 7 and 1, 7, दिस इज 6। तो 9 + 6, 15 + 7, 22 + 6, 28, तो सम 1 आना चाहिए। ऑप्शन का डिजिट्स का सम जो है हम करके देख सकते हैं, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द डिजिटल सम मेथड। तो ये बोल सही स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया है, ऑप्शंस होते तो अप्लाई कर पाते, ऑप्शन के बिना ये किसी काम का नहीं है। अभी मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल के आंसर बता देता हूँ, वेट अ मिनट। सो आई रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो मैंने पॉज करके इसको मल्टीप्लाई किया था ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। सो ये इतना आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड ये 9240 आ गया और सिमिलरली मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है, ओके। सो इनको ऐड करके दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस वाज द स्फीयर एंड दिस वाज द कोन, वो भी कम वॉल्यूम का है ऑब्वियसली, सर पे नहीं तो भारी हो जाएगा। एंड ऐसे दो सिलेंडर से उनका टोटल वॉल्यूम इतना है एंड द पैर भी ज्यादा भारी नहीं है। एंड यहाँ पे जो बॉडी का जो सर ये जो क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम इतना था, तो इसको ऐड करके इतना आ गया, मतलब इतना वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर, ध्यान से सेंटीमीटर क्यूब्स में है। तो यहाँ पे मैंने जो दिया है तो ये ग्राम्स में, ध्यान से देखना ये, और ये पर केजी है, तो ये 1000 का फैक्टर भी देखना, ऑप्शन में दे सकते हैं 1000 का फैक्टर, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो निकलेगा मास, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 500 से एंड मुझे डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राम्स में निकलेगा आंसर, तो दिस इज इन ग्राम्स, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो में बदलने के लिए। सो इसको भी मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो ये आंसर आएगा into 7 करूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, into 7 and again upon 2, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट आया है that is 4 lakh something, 464 and 408, तो ये रुपीज में इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड जो भी इसमें कैलकुलेशन पार्ट तो ठीक है, इसका अगर मैं डेटा एडजस्ट करता तो हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन बनता, ताकि मैं ये वैल्यूज छोटे छोटे हो तो जल्दी से सॉल्व हो जाए, मैंने इसको मॉक से इसलिए हटा दिया था। एंड यहाँ पे इस काम की चीज थी कि अगर मतलब कंसेप्ट अगर देखूं मैं तो डेंसिटी अगर गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो उसका प्रोडक्ट से मास निकलता है, और मास निकल गया तो पर केजी कॉस्ट गिवन है तो टोटल कॉस्ट निकलता है। और यहाँ पे काम की चीज है, ये फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, किसी भी छोटे क्वेश्चन में यूज हो सकती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो मैंने वॉल्यूम निकाला है हो सकता है आगे काम आ जाए, तो आई विल नोट दिस वैल्यूज वंस, वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये तो था जो इसका है 388 0 8, इसका है 60,000, वॉल्यूम्स को मैं नोट कर रहा हूँ, इन दोनों का मिला के है 24640 एंड कैप था 9240, दिस इज द वॉल्यूम, सरफेस एरिया नहीं है। अगर मैं पेंट करूंगा तो सरफेस एरिया काम आता है एंड मोल्डिंग के लिए क्या काम आता है, वॉल्यूम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉडी, अब पेंटिंग है तो सरफेस एरिया चाहिए, तो ये वैल्यू जो मैंने लिखी है काम के लिए सरफेस एरिया काम आया, इज व्हाट परसेंट मोर देन, अच्छा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉडी मीन्स दिस व्हाइट पार्ट, इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेड, अज्यूम ही हैज टू पेंट ऑल सर्फेसेस। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे तो इसका सर है, इसको पेंट थोड़ी करेंगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि भाई पेंट हर जगह करेंगे, जंग कहीं भी लग सकता है, ठीक है, रस्टिंग अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना, पेंटिंग कॉस्ट दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो बॉडी का सर्फेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, ठीक है, एंड स्फीयर का सर्फेस एरिया होता है 4πr², तो वापस 4 × 22/7 एंड रेडियस इज वॉट 21² दैट इज 441, लिखने की जरूरत नहीं, वापस कैंसिल हो जाएगा। एल बी इज वॉट 2000 एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1200 एंड एक आ जाएगा 1500, ठीक है। सो ये कितना आता है, ये तो सिंपल है एडिशन, 2000 3500 4700 × 2 9400, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, किसका, बॉडी का। इसका देख लो 7 से 3 times कट हो गया, तो दिस इज 63 × 88, ठीक है, 63 × 88 वापस मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ऑब्वियसली, अगर मैं इसको मान लो बिना कैलकुलेटर करता हूँ मैं कैसे करूंगा, 63 × 100 - 12, दिस 6300 - 630 - 126, ऐसे करके हम कर सकते हैं 10 × 2, ठीक है। तो मैं कर ही लेता हूँ ऐसे, तो दिस इज 4
And this is again a 9 minus 5 is 4 again. And this is 2 minus 6, 2 minus 7 is 5. And यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 4, 4. ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, क्योंकि आंसर यहाँ पे बना रहा हूँ. तो दिस इज करेक्ट. तो इसका जो सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आ गया. ठीक है, अब तुमसे देखो ध्यान से, अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे 11 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, पर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर. ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो 11 इधर भी, 11 इधर भी, डिनोमिनेटर में भी 11 आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाता है. तो तुम डायरेक्ट सरफेस एरियाज भी कंपेयर कर लोगे ना, कॉस्ट दोनों का पेंटिंग का सेम है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वो आता है जिससे कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे नीचे है, ऊपर बॉडी है, नीचे हेड है. ठीक है, तो हेड का मतलब 5544 नीचे आएगा, एंड ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस. तो डिफरेंस निकाल लो, 0 माइनस 4 इज 6, एंड 9 माइनस 4 इज 5, एंड 3 माइनस 5 इज 8, एंड अगेन 8 माइनस 5 इज 3. अब इसका कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, अप्रोक्सीमेशन से देखूं, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, इसका 10% होता है 554. ठीक है, तो दिस इज समवॉट क्लोज टू 70%, दिख रहा है, 5735, तो लगभग 70% है. तो कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करके एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ. ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, ऑप्शंस दिए होते तो मैं ऑप्शंस यूज कर लेता. 5544, सो दिस इज 69.5 एग्जैक्ट. सो दिस इज 69.5% इज द आंसर. इसमें क्या सीखने का था, सीखने का ये था कि आपको जो है ना कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं. तो कंपेयर करोगे तो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, तो दिस मतलब यहाँ पे डिफरेंस में एक्स आ जाता, यहाँ भी एक्स आ जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 11 कितना भी कॉस्ट होता पर जो कंपैरिजन करते हैं सेम. ठीक है, तो एक चीज ये थी, और दूसरी चीज थी फॉर्मूला. कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन को ध्यान मत दो, कैलकुलेशन इसका ऑब्वियसली गंदा था, तभी मैंने इसको हटाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट परसेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट ही हैज टू इनकर इफ ही डिसाइड्स टू ऐड टू सिलिंड्रिकल हैंड्स. अब कह रहा है कि दो हाथ इसके देने हैं, नहीं तो ये ठाकुर जैसा है, तो इसको पे ठाकुर करना है. तो दो सिलिंड्रिकल हैंड्स डालने, डायमेंशन सिमिलर टू लेग्स ऑफ स्केयरक्रो. अच्छा, तो लेग्स के बराबर का उसको हाथ डालना है, तो वॉल्यूम सेम रखेंगे, तो 24640 एक्स्ट्रा सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल लगने वाला है. ठीक है, अच्छा ठीक है. अब व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट ही हैज टू इनकर. अच्छा, इसमें मैंने ये ब्रैकेट में ये क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बच्चा सोचेगा कि सर जब मैं इसका हाथ लगा रहा हूँ तो पेंटिंग कॉस्ट भी, मोल्डिंग कॉस्ट तो लगेगा ही बनाने का, जब मैं टिन से बनाऊंगा मोल्ड करके सिलेंडर में, तो मोल्डिंग कॉस्ट लगेगा, पेंटिंग कॉस्ट भी लगेगा, तो इतना लंबा कैलकुलेशन. तो थोड़ा सा मैंने सोचा था पेंटिंग हटा दो, सिर्फ मोल्डिंग का बताओ. तो मोल्डिंग के लिए अभी के लिए टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम निकाल लो इसको ऐड करके. तो यूनिट डिजिट्स ऐड करते हैं, 8080448, 2 प्लस 8 10 प्लस 6 16, 1 कैरी हो गया, 4 9 13 प्लस 1 14, 1 कैरी हो गया, 2 और 6 8 और 3 11, 1 12. ठीक है, तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम जो इनिशियली था. अब इसको इसकी वजह से इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो ये है ना, व्हाट परसेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट ही हैज टू इनकर इफ ही डिसाइड्स. तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1000 रुपए में कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि 1200, मतलब 1000 रुपए में अगर मुझे 2000 ऐड करना पड़ेगा तो कितना परसेंट एडिशन हुआ, 20%, वैसा ही सवाल है. तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे इनिशियल वैल्यू रहती है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. तो दिस इज द चेंज, और चेंज मुझे ऑलरेडी पता है यही चेंज है, तो फाइनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, नीचे इनिशियल वैल्यू आएगी जो शुरू में थी. ये अप्रोक्सीमेटली 20% अगर देखो तो 12 2 24 होता है, तो ये 20% से हल्का सा कम है, क्योंकि 12.4 है यहाँ पे, और 12.4 का डबल होता है 24.8, यहाँ पे 6 है, तो 19.8 या कुछ परसेंट होगा. एक बार मैं एडिशन भी वेरीफाई कर लेता हूँ और फाइनल आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ. सो 9240 प्लस 38808 प्लस 60,000 प्लस 24640, तो ये सही एडिशन, नहीं एडिशन ही गलत है, एक मिनट, इसमें 1 3 2 6 8 8 आ रहा है, एक मिनट लेट मी चेक कैलकुलेटर. 24640 था, ठीक है, एंड 38808 था, नहीं 9240, एक बार रुक जाओ मैं अपना एडिशन चेक कर लेता हूँ. 0 प्लस 8 8 आ गया, ठीक है, एंड 4 प्लस 0 प्लस 4 8 यहाँ भी आ गया, ठीक है. नेक्स्ट में कहीं गड़बड़ कर दी, 2 प्लस 8 इज 10, 10 प्लस 6 इज 6, ठीक है, यहाँ भी सही था. कैरी कुछ हुआ था क्या, नहीं हुआ था शायद, 2 थर्ड डिजिट है ना, तो 2 प्लस 8 इज 10, 16, एक कैरी हो गया. अच्छा, वो कैरी शायद मैंने मिस कर दिया था क्या, यहाँ पे 9 है, 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 4 इज 21,
प्लस वन 22, अच्छा ठीक है यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा के वीडियो अपलोड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि मैं लाइव सॉल्व करता हूँ एंड सिली मिस्टेक सबसे हो जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2 आ गया एंड कैरी में आ गया, तो ये सम आ जाएगा 132, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्या लर्निंग मिली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो गलतियों में भी लर्निंग है, राइट। अब आंसर कितना हो जाएगा, आंसर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, 13 है तो 13 2 26 होता है, उससे 2 कम है, तो लगभग ये 18 17 पे आंसर शिफ्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर कितना है, 24640, वो ऊपर चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, वो तो इतना ही रहेगा, नीचे 132 आ गया लगभग, तो 688 एग्जैक्ट आंसर इज 18.56%, ठीक है, एक्स्ट्रा उसको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा मैंने सोचा था, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन डेटा गंदा है तो मैंने इसको हटा दिया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, एक बंदा ले लो, उसकी गर्लफ्रेंड ले लो साइड में, है ना, बस दो और लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। और जनरली बच्चों की टेंडेंस, मतलब बच्चों का थिंकिंग क्या होता है कि टफ क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अरेंज हेड कैप एंड लेग इन टर्म्स ऑफ मोल्टिंग कॉस्ट। अब इसके लिए अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या लर्निंग मिलेगी इस क्वेश्चन में कि एक डीआई सेट अगर तुम्हें लेंदी लग रहा है तो पूरा डीआई सेट मत छोड़ो, एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन पे पहुंचो। अब इसमें क्या है, 3 वॉल्यूम्स कंपेयर करने, कॉस्ट तो सबका पर यूनिट कॉस्ट तो सेम ही है ना, तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा कॉस्ट उसका ज्यादा, पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल भी सेम है, मटेरियल अलग होता कॉस्ट अलग होता तो हमें पूरा कॉस्ट निकालना पड़ता, अभी तो वॉल्यूम चेक कर लो। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, हेड, हेड इज 36, कैप इज, तो हेड का ज्यादा है कैप से एंड लेग का दोनों मिला के ऑब्वियसली और कम है, तो नहीं सॉरी, हेड इज ग्रेटर देन लेग इज ग्रेटर देन कैप, और हेड से भी बड़ा है बॉडी, तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर है, इसमें ऑप्शंस में होता टिक लगा देते, ठीक है, हेड मतलब ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विच कलर वॉज यूज द मोस्ट। अब इसके लिए पेंटिंग कॉस्ट मुझे चाहिए, पेंटिंग कॉस्ट के लिए सबका पर यूनिट कॉस्ट सेम है, 11 रुपया था एक क्वेश्चन में, फर्क ही नहीं पड़ता उससे, जितना होगा सबके लिए कॉन्स्टेंट सेम कलर है, अज्यूम करना होगा, लिख दूंगा यहाँ पे सेम कलर लिया है, बोलना सर इसका ग्रीन कलर महंगा है रेड कलर सस्ता है, ऐसे नहीं, ठीक है। विच कलर वॉज यूज द मोस्ट, तो सरफेस एरिया मुझे कंपेयर करना है, तो 2 का सरफेस एरिया मैंने पिछले क्वेश्चंस में निकाला था, सरफेस एरिया मैंने निकाला था 9400 था बॉडी का एंड स्फीयर का था 5544, राइट, ठीक है, 5544, ठीक है, एंड 90 9400, तो दिस इज 5544, दिस इज नहीं, दिस वॉज 5544, दिस वॉज 9400। अब 2 और मुझे निकालने हैं, तो इसमें भी लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब सेट बनाने, मैंने वीडियो क्यों डाला है, क्वेश्चन ऑब्वियसली लेंदी है, कैलकुलेशन की वजह से मैंने कैलकुलेटर यूज करा है, मैंने डाला है कि किस वॉल्यूम के क्वेश्चन में कैसे कैसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दिस इज फेयर, तो इसका सर्फेस एरिया होता है 2πRh। अब ये टोटल सरफेस एरिया है कि क्या है मुझे नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया लेंगे, या हॉल, क्योंकि हॉलो तो है नहीं, पेंट तो सारा साइड करेंगे, ठीक है, हॉलो होता तो सोचते ना खाली होगा, हॉलो नहीं है, तो प्लस में हमें 2πr² करना पड़ेगा ऊपर नीचे का, और ऐसे 2 सिलेंडर्स है तो ऐसे करना पड़ेगा। एंड कोन का अगर मैं देखूँ तो कोन का होता है πrL होता है, अब ये एल निकालना सिखाना था मुझे, तो एल कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं कोन के अंदर, दिस इज 21, दिस इज 20, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे ना, This is 21 square plus 20 square. अब ये होता है 441 plus 400, 841. 841 भी perfect square होता है क्या? 29 का होता है क्या? ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 into radius is what? Radius is what? कोन का radius कहाँ गया? ये रहा. तो 21 into 29. इधर देखो 2 into. अब ये 2, ये दोनों का 2 common ले लो, 4 बन जाएगा. तो 22/7 pi भी common ले लो. चलो. तो 4 into 22/7 bracket में क्या आएगा? RH. तो R इसका है 14 into 20, 280 RH, और R square होगा 14 का square 196. इसको calculator से मैं solve करूँगा, obvious सी बात है, exam में इतना गंदा नहीं आएगा. 7 से एक बार cut कर लो इसको 40 times and 7 से cut हो जाता है 28 times. तो this is 68. तो हमारा calculation है 88 into 68. देख लेते हैं कितना होता है ये. ये भी मैं निकाल तो देखो. 88 into 68 will be 6800 minus 680 minus 136, right? क्योंकि मैंने कैसे किया इसको, 68 इंटू 100 माइनस 12, तो 6800 इंटू 10 और इंटू 2. अब इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेता हूँ, तो 68 इंटू 88 इज 5984. सो 5984 आ गया, किसका आ गया, ये आ गया दोनों टांगों का मिला के, एंड
ठीक है, एंड इसका कितना आ जाएगा, इसका है दिस, तो ये थ्री टाइम्स कट गया, सो आंसर इज 66, 22 थ्री जा इंटू 29, तो 66 इंटू 29 करते हैं, ये 1914, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा, तो विच कलर वॉज यूज द मोस्ट, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, इसी का है। अच्छा भाई लॉजिक भी मैं इसमें इतना मेहनत करा ना, लॉजिक सोचो कि यार ये ऐसे ही रेडियस कम है तो ये ऐसे कम होगा, पर इसमें डाउट होता है कि यार दो है, क्या पता ज्यादा हो जाए, पर इसको निकाल भी लिया तो 59 आया, तो सबसे ज्यादा लगेगा इसमें कलर, फिर लगेगा मतलब पिंक कलर सबसे ज्यादा लगेगा, फिर लगेगा ब्लू, फिर लगेगा रेड और फिर लगेगा ग्रीन। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, क्वेश्चन सबको अच्छा लगा होगा कंसेप्ट वाइज और कैलकुलेशन वाइज, ऑब्वियसली मुझे गंदा लगा, ठीक है, चलो बाय।